बार बार हीरो बनाते हैं प्रोडक्ट को, आपने ब्रांड एम्बेसडर हायर के लाइक रणदीप हुडा आए एक ब्रांड के एड के लिए, शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान एक ब्रांड के एड के लिए, और आज भी आप फिर से बार बार प्राइस की बात करते हैं, हमेशा प्रोडक्ट को हीरो मानते हैं। तो सर क्या सवाल ये कि आप इस तरह से ब्रांडिंग करते करते एक दिन ट्रेडिशनल हो जाएंगे आप, नेटवर्क मार्केटिंग का आपका जो कॉन्सेप्ट है वही छोड़ देंगे बीच बीच में, ऐसा एक सवाल आता है सर? ये सवाल सवा पांच साल से आता है जी, तो सवा पांच साल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? हाँ। और ये सवाल उठाता कौन है? कंपटीशन वाले आई थिंक। मुझे बताओ कंपटीशन वाले कुछ तो सवाल उठाएंगे। तो सर एक सवाल सर ये भी था साथ में कि ये क्या ये एड हायर करना, हम बोलते हैं कि एड का पैसा हमारे मरता है, तो क्या ये ब्रांड एम्बेसडर जो हम हायर कर रहे हैं रणदीप हुडा या गौरी खान जो आपने बोला था कि और भी भविष्य में लेके आएंगे, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी ने भी बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर लिए, ये सवाल उनसे भी पूछ लो क्या वो भी ट्रेडिशनल होने वाले? ओके, ये उनसे भी पूछ लो जी। सर आपको कस्टमर को अपने तक लाना होगा, कस्टमर को जितना आप कस्टमर को अपने साथ कनेक्ट कर पाएंगे उतना इजीली आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग दो पैसे कमा पाएंगे, तो क्योंकि बगैर सेल के पैसा आने वाला नहीं है जी। तो इसमें सर जवाब अभी लेकिन पेंडिंग रहा कि क्या भविष्य में ऐसा कोई दिमाग में कुछ नहीं, आपको लगता है तो आप कर लीजिए ट्रेडिशनल में। हाँ अगर मुझे करना होता तो मैं सवा पांच साल पहले कर लेता। ओके, सवा पांच साल पहले क्या ट्रेडिशनल ऑप्शन नहीं था? बिल्कुल था सर, बिल्कुल था। और आपको क्या लगता है क्या चाहिए ट्रेडिशनल के लिए? मार्केटिंग करनी नहीं आती, प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, ब्रांड नहीं आता, अफोर्डेबल प्राइसिंग नहीं आती, सबको तो पहले से है, तो सब कुछ पहले से है, तो मुझे समझाइए करने में तकलीफ क्या थी? क्यों नहीं किया सवा पांच साल में? दूसरी कंपनियों ने तो पैरेलल भी बना रखे होंगे ब्रांड, हमने तो पैरेलल भी ब्रांड नहीं बनाया कोई ट्रेडिशनल। जी जी जी। जब तक हायर बीवी ना हो या अच्छा प्लान ना हो तब तक प्रोडक्ट भेजो कोई कमा नहीं सकता। जो भी बीवी देने वाले हैं उनकी हालत क्या है आज?